एग्जाम रहा बताओ बाबू? बढ़िया रहा। पढ़ाई उड़ाई करते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हो? पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करते हैं ना जी। अच्छा नंबर आएगा कि कैसा नंबर आएगा? आएगा ना, क्या है भाग क्यों रहे हो आप? शर्म लग रहा है आपको? चलिए कोई नहीं, जितने भी देख पा रहे होंगे। चलिए आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक गया है। बढ़िया, कितना नंबर ले आइएगा? 80+। 80+ आ जाएगा पक्का? पक्का। कुछ सवाल पूछ लूँ मैं आपसे? जी पक्का, बता दीजिएगा जी। चलिए बताइए, मोड बहुलक क्या होता है? बहुलक? हाँ, बहुलक में क्या चीज ज्ञात करते हैं बताइए मोड में? बहुलक में यानी वही निम्न सीमा जो उच्च सीमा का एल सूत्र होता है उसका, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, इसी फार्मूला पर बना। अच्छा, सीरियल नंबर दिया रहता है तो बहुलक कैसे निकालिएगा? तो जिसका अधिक बार आया होता है वही बहुलक हो गया। क्या अधिक बार आंकड़ा? बहुत। ओके, बहुत अच्छा आदमी है। चलिए आपका 80 नंबर आएगा कि कितना? 100 में 100 लाइएगा? 100 में 100 नहीं, कुछ छुटिया। 90+ आ जाएगा जी? आ जाएगा। किस ट्यूशन से पढ़े हैं या स्कूल से पढ़े हैं आप? भारतीय स्टडी सर्कल। कहाँ पे? बरियारपुर। बरियारपुर से है आप? चलिए बहुत अच्छा, एक बार आप लोग ताली लगाइए इसके लिए, बहुत अच्छा आपने। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय शंकर कुमार। एग्जाम दे दिया आपने जी? कैसा गया सर? ठीक गया। सच में अच्छा गया जी? कहाँ से हो आप? जवाहीपुर से, बरियारपुर के बगल में से। ओके, जवाहीपुर से, बहुत अच्छा बात है। चलिए आप बताएं अब इसके बाद क्या एग्जाम होने वाला है? इसके बाद आज साइंस होने वाला है। साइंस होने वाला जी? चलिए बहुत अच्छा, अच्छा नंबर आएगा ना उम्मीद है? जी उम्मीद है, 80 नंबर तक। बिहारियों के नाम रोशन कीजिएगा ना? जी करेंगे। गणित में अच्छा नंबर आएगा ना? जी आया है। चलिए आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम हाफिज जकाउल्ला कादरी। ओके, कहाँ से हो आप? जी मैं कोयली सीतामढ़ी। कोयली। मैथ के पेपर कैसा गया बताइए? बहुत अच्छा गया है। कितना नंबर आ जाएगा? अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने पेपर था बताएं, मैथ में क्या क्या क्वेश्चन था, एक दो याद है आपको? तब देखने के बाद पता चलेगा। चलिए कोई कितना नंबर आ जाएगा, उम्मीद क्या किया जा सकता है? वही 60-70 के आसपास। 60-70 आ जाएगा। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, दूरी के? उतना नहीं पता है सर। याद नहीं है? जेन में नहीं है उतना। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? राम बिहारी। राम बिहारी। कहाँ से हो आप? कोयली। इतना दूर से आए हैं, रात में पढ़ते हैं कि नहीं? भर रात पढ़िएगा समझे, बिहार के नाम रोशन करना है, ठीक है ना? कितना नंबर ले आइएगा? मैथ में कितना नंबर आएगा? 60 वाले आ जाएगा। आ जाएगा पक्का। आपका क्या नाम है? रामू मुखिया। रामू मुखिया। मुखिया जी है आप? वाह क्या गजब बात है। कैसा एग्जाम की तैयारी रहा बताएं? ठीक है रहा। मैथ के पेपर कैसा गया? ठीक है। बढ़िया गया। कितना नंबर ले आइएगा? 400 तक। 400 ले आइएगा? बिहार के नाम रोशन करना है ना? पक्का पक्का। इंटरव्यू लेने आऊंगा आपसे, अच्छा नंबर लाइएगा तो गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है? और रात भर पढ़िए, ठीक है ना? 7-8 दिन केवल, क्या 16 तारीख है, 24 तारीख तक है एग्जाम आपका? 24 तक है? 23 तक आपका? 24 तक है। अब एक दो सवाल करूँ आपसे? नहीं, बाद में हो जाएगा। क्यों बताइए? भूख लग गया है। भूख लग गया आपको? एक बात बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दूरी की? दूरी, दूरी का फॉर्मूला कैसे निकालिएगा? अब घर पर आते क्यों? चलिए जितने भी लोग हैं मैंने बात करने का प्रयास किया। कार प्रणाम साथियों, मैं हूं विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं दी मार्केट न्यूज। आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होने वाले हैं, मैट्रिक का फर्स्ट मैथ का पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चे लोग बिहार में परीक्षा दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होने वाले हैं कि मैथ के एग्जाम यहाँ पे देकर सारे बच्चे फंस सीटिंग का निकल रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही भीड़ लाकर आ रहे हैं। चलिए बहुत बच्चे लोगों से जानेंगे, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ और लोगों से जानेंगे। आपका शुभ नाम? क्या नाम है बाबू? कुमार। क्या पेपर दे दिया आपने जी? कैसा रहा पेपर बाबू? बहुत ठीक, बहुत अच्छा रहा। चलिए और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। आपका शुभ नाम? अंकुश। नाम अंकुश कुमार। हाँ जी, कैसा पेपर रहा बताएं भैया? ठीक है। बढ़िया गया? ठीक है। कितने नंबर ले आएंगे आप? अरे बिहारी का सबसे ज्यादा नाम रहता है जो है मैथ के पेपर, सही है ना जी?
किस स्कूल से हो आप? बरियारपुर हाई स्कूल से। बरियारपुर हाई स्कूल, ठीक है। और भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं, भीड़ ना लगाएं प्लीज, आप लोग भीड़ ना लगाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग चलते पड़े, चलते रहें, क्योंकि ये रोड है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितने 16 लाख बच्चा इस बार एग्जाम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होने वाले हैं। आप देखने चाह रहे हैं कि अब कितने नंबर आएंगे मैथ के पेपर में। बिहारियों का सबसे ज्यादा फेमस सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा नाम रोशन करने वाला जो पेपर होता है उसे कहते हैं मैथ, गणित। आइए, बहुत सारे लोगों से जाने हैं कैसा पेपर है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। चलिए, आप लोग भीड़ ना लगाएं। बाबू एग्जाम देकर आ गए आप जी? कहाँ से हो आप? हरियापुर। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? डेरा पर। डेरा लेकर आते हो, चलिए बहुत अच्छा बात। पेपर अच्छा गया जी? सच में जी? चलिए बहुत मस्त। बिहारियों का सबसे अच्छा पेपर होता है जो मैथ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कैसा पेपर गया? ठीक है। सच में? सच में। कितने नंबर ले आएंगे आप? वही आएगा 80+। 80+ ले आएंगे। 1 - sin² θ बराबर क्या होता है? 1 - sin² θ। हाँ जी। cos² θ। cos² वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट है आप। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, आपका क्या नाम है? शशि कुमार। कितना नंबर आ जाएगा? कम से कम लगता है कि फर्स्ट डिवीजन मार सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा? यस। पक्का? आज के पेपर से आप कितने खुश है बताएं? आज के पेपर से हम बहुत खुश है। हाँ जी। उसमें सवाल आया तो जो सवाल टकराया है। हाँ जी। और जो बनने वाला तो सब बना है। ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के था बताएं? ऑब्जेक्टिव 100 को क्वेश्चन 50 नंबर का था ऑब्जेक्टिव। चलिए, आप लोग उतना भीड़ ना लगाए और आदमी चलते पड़े, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बात, आपने कुछ लोगों से और भी जानेंगे। मैथ के पेपर बिहारियों के लिए सबसे खुशखबरी के बात होती है, सबसे अच्छी बात होती है। आज मैं आया हूँ राजकृत हित नारायण होता है, ये देख सकते हैं आप। ये है COVID-19 का फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, दोनों कोई एक डोज लेके आना है। हाँ। आप लोग जा रहे हैं, चलिए आपका उज्जवल भविष्य रहे, मैं आशीर्वाद देता हूँ और सारे लोगों से मैं दुआ करता हूँ कि अच्छा नंबर लाए आप। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्यों डर रहे हो आप? क्यों डर रहे हो? अरे डर क्यों रहे भाई साहब, मैं तुम्हारा बड़े भाई हूँ ऐसे समझो। जा रहे। कितने नंबर ले आएंगे आप? वही 300-400+। 400+। बिहारियों के नाम रोशन करना है ना मैथ से? करना है। क्यों भाग क्यों रहे हो तुम? अरे डर रहा है ये। कोई नहीं, और भी लोगों से आप एग्जाम दे दिए? हम दे दिए। चलिए बहुत अच्छी बात, और भी लोगों से मैं जानूंगा, कुछ सवाले करूंगा। आप लोग भीड़ ना लगाए रोड पर, ठीक है। आप लोग प्लीज भीड़ ना लगाए। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट है जो आ रहे हैं, इस बार के सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होने वाले हैं। चलिए, आप इनका गार्जियन हुए? हाँ। कहाँ से आपका बच्चा आया है एग्जाम दे? रीगा भवन गामा से हम लोग आए। रीगा से आए हैं? बहुत दूर दूर तक सेंटर भेज दिया क्या? हाँ सर, ताकि चोरी वगैरह ना हो। हाँ सर, है कि नहीं? हाँ। चलिए, चोरी ना हो एग्जाम में, इसके लेकर बहुत दूर दूर तक से सेंटर इस बार फेंक दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलिए और भी लोगों से मैं बात करूंगा। आप लोग जा रहे हो एग्जाम देने? नहीं। चलिए, और जो जो निकलते आइए उन लोगों से एक दो से बात कर लेते। आप एग्जाम दे दिए जी? कहाँ से हो भाई? खैरबी से। खैरबी से? इतना दूर से जी? आते हैं या डेरा लिया आपने? डेरा लिया। आप बताएं? मार्ट पर डेरा लिया। कितना नंबर आ जाएगा? 80 का। 80 आ जाएगा जी। sec²θ - tan²θ बराबर क्या होता है? 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बहुत सारे लोगों से जानूंगा, बहुत अच्छा अच्छा आदमी है ये लोग। चलिए, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार जी, कहाँ से आप? रीगा से। रीगा से। चलिए, कितना नंबर आ जाएगा? मैथ के लिए बिहार का सबसे नंबर वन सब्जेक्ट होता है, अच्छा माना जाता है। IAS ऑफिसर हो या कोई भी हो, सबसे ज्यादा नाम हम लोग कमाते हैं केवल मैथ से लेकर, है कि नहीं? कितना नंबर ले आइएगा आप? 60-80 लिए आएंगे। चलिए, नॉर्मल थे पढ़ने में या अच्छा थे? अच्छा है, माने कि नॉर्मल। कैसा पेपर कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा। अच्छा, मतलब आपने पेपर नहीं दिया? चलिए कोई नहीं, जो जो आप पेपर दे दिए। हाँ, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन। कितना नंबर लाइएगा? वही 400 आएगा। 400 नहीं, मैथ में कितना लाइएगा? वही 80+। अच्छा, एक फार्मूला बताइए एपी में, कोई एक फार्मूला बता दीजिए एपी का। n+n-1 × d। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और भी लोगों से बात करूंगा, आपका क्या नाम? आपसे बात होगी। चलिए बहुत, आप लोग भीड़ ना लगाए प्लीज, आप लोग जाइए जाइए। चलिए और भी लोगों से बात कर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा बालकृष्ण कुमार। क्या, कहाँ से हो आप? लालबंदी से। क्या? लालबंदी से। लालबंदी, बहुत अच्छा। चलिए, कैसा एग्जाम?